सुनते कानों को देखती आंखों को आज का दिन मुबारक हो। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप सऊदी अरब में कैसे यूएई से मस्कत उमान जा सकते हैं। तो जानने के लिए इतना चीप आप कैसे जा सकते हैं, इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आइंदा आने वाली वीडियो आपको मिल सके। जिन मेरे दोस्तों को शौक है लॉन्ग ड्राइव का और वो यूएई से ओमान जाना चाहते हैं, तो उनके लिए एक अच्छी खबर है कि वो बाय रोड इजी जा सकते हैं। उसके लिए डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। सबसे पहले आपकी गाड़ी का मुल्किया होना चाहिए, जो आपके नाम पर होना चाहिए, प्लस इंश्योरेंस होनी चाहिए जो ओमान को कवर करती हो। अगर आपके पास इंश्योरेंस नहीं है तो बॉर्डर पर भी आपको मिल सकती है। साथ साथ जब आप यहाँ से ट्रैवल करते हैं, जब आप बॉर्डर तक पहुँचते हैं तो कितने एक्सपेंस आते हैं, आगे इस वीडियो में देख सकेंगे। जब आप बाय रोड जाते हैं तो जब आप बॉर्डर पर पहुँचते हैं, ख्वाब आप दुबई से पहुँचे या अलेन के बॉर्डर से, तो आप जब एग्ज़िट करते हैं तो उसका एक एक्सपेंस आता है। जब एग्जिटिंग स्टैंप लगती है तो उसके 35 दरम जो हैं वो चार्ज करते हैं यूएई गवर्नमेंट। यूएई की इमिग्रेशन जब आप एग्ज़िट करते हैं तो साथ ही वेरी नेक्स्ट जो एक बिल्डिंग आती है उसमें आपको सबसे पहले अपनी कार इंश्योरेंस करवानी पड़ती है। अगर आपकी इंश्योरेंस में ओमान इंश्योरेंस जो है वो कवर नहीं है तो आपको वहाँ पर जाकर करवानी पड़ती है। वो 83 दरम्स की पड़ती है जो कि 7 डेज के लिए वैलिडिटी होती है। ये अब आप पे डिपेंड होता है कि आप कितने दिन का टूर करना चाहते हैं। साथ साथ जैसे ही आप 83 दरम वहाँ पर पे करते हैं, चूँकि मैंने पीछे वीडियो में बताया है आपको कि कैसे आप ओमान का वीज़ा जो वो ईजी ले सकते हैं, तो आप नेक्स्ट बिल्डिंग में जो कि इमिग्रेशन बिल्डिंग है, इमिग्रेशन में जाके आप अपना वीज़ा दिखाते हैं, वहाँ पर वो आपको स्टैम्प कर देते हैं और आप वही स्टैम्प अपना पासपोर्ट लेके आप जो है वो अपनी गाड़ी के साथ रवानगी करते हैं बॉर्डर पे। जैसे ही आप बॉर्डर पे पहुंचते हैं वो आपकी नॉर्मल गाड़ी की चेकअप करते हैं, आपका वीज़ा चेक करते हैं और आपको मस्कत तो उसके लिए आपको इजाज़त दे देते हैं और आप गोवा जा सकते हैं। ये सारा प्रोसेस, इसमें सारी कॉस्ट जो आती है वो नहायत चीप है। अगर आप ग्रुप में जा रहे हैं तो मैं प्रेफर आपको करूंगा कि आप बाय रोड जाएं, क्योंकि ओमान में पेट्रोल वैसे बहुत सस्ता है, यहाँ पर भी बहुत चीप है, तो बाय रोड एक चीप ट्रैवल पड़ जाता है। साथ साथ अगर आप बाय एयर जाते हैं तो बाय एयर अबू धाबी से विज एयरवेज वो ओमान के लिए जाती है, वो मस्कत भी जाती है, सलाला भी जाती है। प्राइसेस आर वेरी चीप, ठीक है, वो ऑलमोस्ट अभी 300 के पास है। तो वन वे आपको 300 और रिटर्न आपको 600-700 में पड़ जाता है। लेकिन मेन बात आपकी आ जाती है अगर आप सऊदी अरब में कैसे जाते हैं, तो वो है, वो भी बाय रोड है। यूएई गवर्नमेंट ने और ओमान गवर्नमेंट ने एक फैसिलिटी दी हुई है, वो ये है कि आप दुबई से बाय बस जा सकते हैं मस्कत, और सिर्फ एक 100 दरम में, जो कि नहायत चीप है। अगर आप ट्रैवलर हैं, लॉन्ग ट्रैवल करते हैं, तो वन ऑफ द बेस्ट थिंग है कि आप जो हैं वो यहाँ से दुबई से मस्कत के लिए सिर्फ एक 100 दरम में जाते हैं। 100 दरम की एक टिकट आती है, आपको पहले जाके उसकी एडवांस टिकट लेनी पड़ती है बस की। बस टाइमिंग और उसका लिंक जो है मैं इस वीडियो में दे दूंगा, प्लस विज एयर का भी मैं आपको इस वीडियो में लिंक दे दूंगा। तो थैंक यू वेरी मच आपका वीडियो देखने का। अगर आपको पसंद आई है तो शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।